आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है आप अपने फोन में किसी भी मेमोरी कार्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है आप अपने फोन में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर में काफी सारे क्लाउड ऐप स्टोरेज ऐप अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका ये होता है आप अपने फोन से फालतू का डेटा हटा देंगे तो इससे आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में तीसरे तरीके के जरिए, यानी कि फोन से फालतू का डेटा हटा के फोन का स्टोरेज आप कैसे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए पहले तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रोसेस आपको ये करना है कि आपके फोन में ना काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलेगी, ठीक है। तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाती है ना, उन सभी ऐप्स में से बैकअप सेटिंग को आपको बंद कर देना है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं अपने मोबाइल फोन की ना गैलरी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। गैलरी में देखिए राइट साइड के टॉप पर ना ये प्रोफाइल पिक्चर होती है, प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना है। अब आपका एक पेज आता है, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो बैकअप इस ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहाँ पे पहले से बंद किया हुआ है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है ना, तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा यहाँ पे, या फिर डू नॉट बैकअप लिखा होगा, उसे टैप करके आपको बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। इसी तरीके से और भी जिस ऐप के अंदर बैकअप सेटिंग मिल जाती है ना, उन सभी ऐप्स में से बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। देखिए दोस्तों, ऐप्स की बैकअप सेटिंग को मैं इसलिए बंद करवा रहा हूँ क्योंकि अगर ये बैकअप सेटिंग चालू रहती है ना, तो इससे हमारे मोबाइल फोन का इंटरनल स्टोरेज जल्दी जल्दी फुल हो जाता है। इसलिए आपको इन बैकअप सेटिंग को बंद रखना है, जिससे आपके फोन का स्टोरेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला काम आपको करना क्या, आपको जो ना अपने मोबाइल फोन में जितने फालतू के ऐप्स हैं, यानी कि जिन ऐप्स को आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते, उन सभी फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अगला काम ये करना है आपके फोन का है ना गैलरी को ओपन करना है, ठीक है। फोन की गैलरी के अंदर आपकी जितने भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है, सारी सारी फालतू की फोटो वीडियो आपको परमानेंट डिलीट कर देनी है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए, ठीक है ना। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आपको नीचे ना ये ऑप्शन मिल जाएगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करेंगे ना, इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप अपने फोन में है ना बैकअप ले लीजिए उस डेटा का, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा, ठीक है।